वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं और आपने सही सोचा कि मैं अभी जयपुर में हूँ और जयपुर में अपने कुछ काम की वजह से आया था। और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैं इस एल्बर्ट हॉल में हूँ और ये जगह मतलब हमेशा से मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थी। मेरे नानी नाना जयपुर रहा करते थे, मेरे नाना जी की इधर पोस्टिंग थी और तो मैं इधर काफ़ी आके इधर खेला करता था, इधर कबूतर उड़ाना। और जो इधर का मतलब मेन होता है कि लोग आके इधर कबूतर उड़ाते हैं, बट यस आज थोड़े से शॉट्स के लिए हम भी उड़ाएंगे और बहुत अच्छा लग रहा है। और मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि आप सब जानते हैं, मास्क अगर नहीं पहना तो 2000 का जुर्माना और 10 घंटे की जेल। और जैसा कि मैं सोच सकता हूँ अभी तक जितना भी रिकॉर्ड हुआ है वो सारा का सारा काला आया होगा क्योंकि मैं सनलाइट के ऑपोजिट खड़ा था। तो देखता हूँ मैं कोई टेक वापस लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। ओके एल्बर्ट हॉल की बात ऐसी है कि मैं एल्बर्ट हॉल बचपन में काफ़ी बार आया हूँ और मतलब मैं फ़ोटोज़ खींचने के लिए तो काफ़ी बार आया हूँ उधर और बचपन में भी काफ़ी बार आया हूँ। और बस ऐसा होता है ना कि अब अंदर जाने का ज़्यादा मन नहीं करता और जस्ट इस मतलब क्या बोलें इसको, म्यूज़ियम तो है ही और मतलब महल बोल सकते हैं। ओ माय गॉड, तो ऐसे में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इन जगहों पे आने में शूट करने के लिए। और अभी मैं शायद हवा महल की साइड जाऊंगा और उधर से भी आपको थोड़े से शॉट्स दिखाऊंगा क्योंकि मेरे को मेरे दादाजी का कोई काम करना है जिसके लिए मैं आया हूँ। एक्चुअली पार्कर के पेन की रिफ़िल लेनी है मेरे को और एक और 2-3 चीज़ें लेनी है। और यस सो अभी मैं थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी कर लेता हूँ और अपना काम कर लेता हूँ। ओके बाय। एज यू कैन सी मेरे पीछे मैजेस्टिक हवा महल है और ये जगह मेरे को काफ़ी शूट के लिए इतनी अच्छी लगती है ना। मैंने अपने एक ब्लॉग में लिखा था कि हवा महल एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब एल्बर्ट हॉल जाओगे, एल्बर्ट हॉल में भी आप काफ़ी फ़ोटोज़ लेने के बाद एक टाइम आएगा जब आप बोलोगे नहीं यार अब फ़ोटोज़ नहीं हो पा रही है, बट एक बार आप हवा महल आओगे ना तो हवा महल का एक एक एंगल आपको इतना शानदार लगेगा कि मतलब हर एंगल पर आप उसकी फ़ोटो खींच सकते हो। तो इट्स सो अमेजिंग टू फील दैट राजस्थान में इतनी शानदार जगह है और हम मतलब सोचते हैं कि मेरे दादाजी कहते हैं कि एक बार पूरा इंडिया भी एक इंडियन घूम ले तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसको वर्ल्ड टूर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लाइक दिस थंबनेल की तैयारी करें। सो अभी मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जगह है मेरी जयपुर में। मतलब जैसा अभी मैंने आपको दिखाया नीचे से तो हवा महल दिख ही जाता है बहुत अच्छे से पास में से, बट एक होता है सामने फ्रंट व्यू, अगर आपको चाहिए होता तो आप कहाँ आएंगे। इधर मैक्सिमम जयपुर के लोगों को पता है कि ये एक टैटू कैफ़े है, कैफ़े का नाम है टैटू कैफ़े। और इधर से एकदम स्ट्रेट व्यू आता है और वो मेरे को इतना पसंद है कि मैं जब भी जयपुर में होता हूँ एक ना एक बार तो इस कैफ़े में आता ही हूँ। और बहुत अच्छा स्टाफ है इस कैफ़े का भी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो आपको दिखाता हूँ बाहर कैसा दिखता है। इस कैफ़े में एक ऊपर रूफटॉप भी है, अभी काफ़ी ज़्यादा धूप है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो आप देख सकते हैं जैसे मेरे पीछे पूरा हवा महल दिख रहा है तो रूफटॉप से और कैसा दिख रहा होगा। बहुत अच्छा लगता है इधर आना मेरे को। और लेट्स ग्रैब सम फूड, थोड़ी भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाते हैं फिर मिलते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था ये जो है ये सिटिंग एरिया है, ये फर्स्ट फ्लोर है कैफ़े का, इसके ऊपर एक रूफटॉप भी है जैसा आप देख सकते हैं, सामने आपको हवा महल दिख रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्रेम आ रही है यहाँ से। सो इतना ही नहीं है, इधर आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं, डिक्शनरीज भी रखी हुई है और काफ़ी अच्छा एम्बियंस है इसका।
दिस इज, ये थोड़ी सी और सिटिंग एरिया है इसका, मैं आपको रूफ टॉप दिखाता हूँ। बेसिकली दिस इज द व्यू पॉइंट ऑफ हवा महल। इधर आके आपको एकदम स्ट्रेट व्यू मिल सकता है हवा महल का। और मेरे को ऐसा क्यों फील आ रहा है कि मैं एक गाइड की तरह बात कर रहा हूँ ना कि एक ब्लॉगर की तरह। और काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर आके, और मैं काफ़ी बार इधर आया हूँ और मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इस कैफ़े में। आप भी कभी जयपुर आए तो इस कैफ़े के लिए, इस कैफ़े में ज़रूर आइएगा। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया मैंने ये। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एज़ ऑलवेज हवा महल के साथ ही एंड करते हैं फिर, क्योंकि अभी मेरे को एक कार का वीडियो भी रिलीज़ करना है जो आप देख सकते हैं, काफ़ी एक्साइटिंग वीडियो होगा वो वाला। सर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।